तो गाइस यहाँ पर जो है कव्वाली की मेरे ख्याल से तैयारी चल रही है इस वक्त। ओहो लाइट 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 बहुत बढ़ गई है, लाइट को कम करो हर बार। सब्सक्राइब कीजिए जैगवार 2.0 चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या पूरा बंद है? क्या बोलते हैं? ये साइड पूरा बंद है, ये अभी बांग्लादेश का है, ये पूरा बंद है, अभी तक स्टार्ट नहीं। तो अपन बन वाली साइड क्यों घूम रहे थे भाई? घूमने रहे थे, देख रहे थे अपन सिर्फ। ये बात तो सही है कि अभी इधर मेरे को लगता है 15 दिन के बाद तू आएगा, तुम्हारे को 2 दिन कम पड़ जाएंगे वीडियो लेने। मेरे ख्याल मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अपन कितने चार पवेलियन घूमे और ये एरिया तो अपन गए नहीं यार अभी तक, उधर बहुत बाकी और उधर भी बंद रहे अभी तक तीन चार। तो गाइस पवेलियन बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से, अभी इटली और ईरान, ईरान भी है शायद और तुर्की भी है। तो गाइस मेरे ख्याल से जो है हम लोगों को आगे चलना है। हम लोग यहाँ से जाके जो है हम लोग तुर्की का देखेंगे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है तुर्की का नाम सुन के। तो हम लोग जाएंगे तुर्की का पवेलियन देखेंगे कि कैसा है, और इटली का भी है वो भी देखेंगे, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कैसा है। फिलहाल हम लोग थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग आए थे कितने बजे, 4 बजे निकले थे और अभी 6:30 हो रहे हैं। तो भूख लगी है, बच्चे लोग भी है साथ में, बच्चे लोग को भी भूख लगी है, मेरे को नहीं लगी, साबिर भाई को लगी है भूख। मैं तो कुछ भी खाने वाला नहीं हूँ, अलग ही एनर्जी में रहता हूँ, थकता भी नहीं हूँ। साबिर भाई थक गए तो उनके और उनके बच्चे भी थक गए थोड़े से। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद में जो है आगे चलते हैं, आगे मिशन तुर्की, मिशन तुर्की, तुर्की और इटली। चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग अब चुके हैं अज़रबैजान के पवेलियन पे। तो अज़रबैजान का जो पवेलियन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। अब अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे। ये अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप लोग देख सकते हो अज़रबैजान बीच। ये है कुछ अज़रबैजान का पवेलियन। रिसाइकल फ्रॉम द वेस्ट टू द आर्ट, समथिंग वी क्रिएट दिस फ्रॉम द लैम्प्स यूजफुल, बट दिस आर आवर बस्टेड लैम्प्स। यस यस आवर बस्टेड द बल्ब्स। Yes, they didn't work, actually, and that's what we're trying to fulfill. It's interesting, yeah? It's our Diane. It's our Diane. Yes. Yes. अज़रबैजान में जो ये बाकू कॉस्टिंग हॉल, बाकू कॉस्टिंग हॉल, ओके, इंटरनेशनल मुगम सेंटर ऑफ अज़रबैजान, और जो है अज़रबैजान स्टेट अकेडमी, अज़रबैजान स्टेट अकेडमी, ये सारी चीज़ें अज़रबैजान में, और ये सारे उसके नाम। ये वाला टावर जैसा वही लग रहा है, ये भी जबरदस्त है अगर नए। म्यूजियम अज़रबैजान
टेबल सेट माशाल्लाह क्या जबरदस्त है। खाने लिखने को खाने को नहीं है। गिटार ये सारी पुरानी चीजें हैं मेरे ख्याल से। चलो मेरे को लगा खाली पत्थर ही है। ये कल्चर क्या ड्रेस हाथ ये हाथ मत लगा इधर आओ। ओ हो ये ड्रेस वहाँ का नेशनल ड्रेस ट्रेडिशनल वुमन ड्रेस। जान कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी रात का टाइम हो चुका है, लो लाइट है बहुत ज़्यादा, तो क्लैरिटी उतना नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो अज़रबैजान कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट इटली में, ठीक है, जो इटली का पवेलियन है हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा है वो, ठीक है। और आप लोगों को भी बताएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के लिए यहाँ घूम रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट इटली अज़रबैजान कमेंट करना कैसा लगा, सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो गाइस मिलेंगे अभी इटली में, चलते हैं।